हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू पुरु भादवा चैनल में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। और देखिए, आज ना आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के जैसे हमारी शॉप बंद होती है तो हमने सोचा था कि आज थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और बच्चों को भी अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं दोनों के, मतलब स्कूल जो है बंद है। लेकिन पता क्या है, यहाँ पे हमारी छत के ऊपर पानी खड़ा हो जाता था जब बारिश होती थी ना, और एक्चुअली फिर सामान पड़ा हुआ था तो हमने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा बजरा डाल के, मतलब सीमेंट वगैरह डाल के निकालते हैं। लेकिन सुबह इतना, मतलब काम तो छोटा सा था लेकिन जैसे वो सामान हमने नीचे आंगन से ऊपर छत के ऊपर रखा, हम दोनों लगे हुए थे मियाँ बीबी, और सीमेंट वगैरह इतना मिलाया और इतने थक चुके कि शरीर पूरा बिल्कुल टूट चुका था। और कहीं भी जाने का भी जो मन था बिल्कुल पोस्टपोन हो गया। और बच्चे तो अभी गुस्सा है ना, उसके चलते ना जैसे पता नहीं अब सिर में दर्द लग पड़ी है। पता नहीं मैं काम करने के बाद फटाफट ना हाई पैन के नीचे बैठ गई, उसके बाद सर में दर्द होने स्टार्ट हो गई। काम तो छोटा था लेकिन थक गए यार, इतनी थक गई कि अब तो मन ये कर रहा है कि बिल्कुल चुपचाप लेट जाएँ और कोई भी काम ना करे। तो मैंने, मतलब अभी मैं लेंटर के ऊपर आई थी छत के ऊपर ना दाल उबालने, मैंने सोचा चलो दाल भी उबाल लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, काम छोटा सा था लेकिन ना देर बड़ी लग गई। इतना छोटा सा काम और इस छोटे से काम ने हम दोनों के इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ था ना कि पूछो मत, बहुत कंफ्यूज करके रखा हुआ था। और थक भी इतनी गई कि पूछो मत। और अभी देखो मौसम भी जो है अब बिल्कुल बादल आने स्टार्ट हो गया। सुबह जब हम काम कर रहे थे ना तो सुबह के टाइम में मौसम बिल्कुल अच्छा था, और अभी ये देखो बादल आ गए हैं। क्योंकि जो भी काम होता है ना मौसम के अकॉर्डिंग ही होता है। ये देखो, और ये देखो, ये अभी पानी हमने इसमें भर के रखा हुआ था 20 लीटर के कैन में, तो यहीं पर रखा हुआ, इतने थक गए थे। और देखो आम का पेड़, इसमें आम ना बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसमें अचार जो है इस आम का ही डाला जाता है। क्योंकि ये जो पेड़ है ना आम का, इसमें आम जो होता है, मतलब इसमें ना तो ये ज़्यादा खट्टा होता है और ना ज़्यादा इसमें मिठास होती है, तो इसलिए ये जो है ना मैक्सिमम लोग दूर दूर से आते हैं तो इसी आम के अचार, आम मतलब यहीं से लेके जाते हैं अचार के लिए। और ये रात को मैंने थोड़े से कपड़े जो थे ना स्टिच किए थे, मैं आपको बताती हूँ, छूट गया था काम रात को भी ना, और थोड़ा सा काम किया फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नींद लग पड़ी थी सच बोलूँ तो। और रात को फिर मैंने कहाँ गई, ये देखो जिप लगाई मैंने, आधा काम है अभी तक ना प्लाजो में। उस टाइम तक मैं कर लेती लेकिन बहुत नींद लगी थी। अभी मेरा आधा काम जो है ना अनकम्प्लीट है। यहाँ पे मैंने अभी हुक बटन लगाने हैं, हुक और क्या होता है वो लगाने हैं, तो अभी ये अनकम्प्लीट है, देखते हैं कब तक टाइम लगता है। और ये सुबह यहाँ पे मैंने घास लगा हुआ था ना, वो घास भी मतलब यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया। और अभी ये देखो छोटे छोटे बैंगन यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखो। एक सब्ज़ी हमने पहले भी बना के खा ली है ना यहाँ से, और ये फूल और भी लगे हुए हैं। और कल मैंने एक काम क्या किया, ये वाले जो पौधे थे ना मैं अपनी जेठानी के घर से लाए, इसको हम भाबड़ी बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट जो बोलते हैं ना देसी महीना बोलते हैं, ऐसे तो हम बोलते हैं ना अंग्रेजी महीना देसी महीना। तो जैसे हम देसी महीने में जो पत्ते आपको मैंने पत्रोड़े बना के बताए थे ना, उसमें ये वाले पत्ते डाले जाते हैं और इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी होती है। ये देखो, तो ये बैंगन यहाँ पे सारा जो सामान आपको तो पता गिरा हुआ है, अभी तक रखा हुआ हमने, पेंडिंग है ना काम अभी तक, तो ये इसलिए मैंने छोटा सा यहाँ पे किचन गार्डन बना दिया यहाँ पे छोटा सा, मतलब हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्यारू। थोड़ा सा काम ये किया था मैंने सुबह आज, सिर्फ बैंगन अच्छे लगे हैं। मतलब आजकल बरसात का मौसम स्टार्ट होता है ना तो सारी तरफ मतलब घास ही घास इतना होता है, और मतलब जैसे हम रास्ते पे चलते हैं ना तो सारी, ये देखो पीछे बांस के पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे भी ये देखो। मैं फ्रेंड्स सही बताऊँगी, ये जो नीचे ना यहाँ पे मेरा एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे मतलब मैं पौधे वगैरह लगाया करती थी, लेकिन इस बार जो है ना कुछ भी नहीं लगाया, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया।
कुछ भी काम नहीं किया और सारा का सारा मतलब मेरा काम वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और मेरे ना नींबू के पेड़ में भी छोटे छोटे ग्रीन नींबू लगने स्टार्ट हो गए हैं, और मैं आपको बताती हूँ, बैक कैमरे से बता देती हूँ। देखो छोटे छोटे बैठ के यहाँ पे बताऊँगी मैं आपको, दिखाई देंगे आपको नींबू, मुझे नहीं पता दिखाई, मैं छोटे छोटे नींबू यहाँ पे लगने स्टार्ट हो गए हैं। अब तो जैसे ना गर्मियाँ होती हैं तो नींबू की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये हमारा आम का पेड़ नीचे, और ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, जापानी टमाटर का पौधा लगा हुआ है। और ये देखिए घास ही घास है, बरसात के मौसम में ना इतना घास होता है। और यहाँ से सड़क तो बिल्कुल नज़दीक दिखाई देती है, फ़र्क इतना है ना, मतलब कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बस दूर से सड़क को आप ना देखते रहो। और मौसम के तो बहुत बुरे गंदे हाल लग रहे हैं। बस यहीं पे इस पास में जो सड़क दिखाई दे रही है, जो मैं जूम करके बता रही हूँ ना, ये बस यहीं के एग्ज़िट बिल्कुल सामने हमारी शॉप है, ये देखो। और गाड़ियाँ बड़ी ज़ोरों से चल रही है। बस आज ना पतिदेव ने घुमाने के लिए जो बोला था ना, मतलब जब उन्होंने मना कर दिया, बाद में थक भी गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने हमें धोखा दे दिया। और बच्चे इसी बात को लेकर काफ़ी अपसेट है। मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, और तो बोलते मम्मी आप जाओ, पापा हमें लेके नहीं गए, और पापा के साथ आपने भी बोल दिया और आप भी उनके साथ मतलब मिले हुए। तो मैंने बोला बेटा ऐसा कोई भी बात नहीं है, काम किया तो हम थक गए हैं ना, तो रुक जा। लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने भी ऐसा धोखा दे दिया ना, क्या बोल सकते। तो चलो फिर आज के ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ख्याल रखना।